हमने नौकरी भी दी, अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश में नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भिन्न हिस्सा है। और अभी तो कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, हमें सावधानी रखनी है, हमें हर प्रकार की सावधानी रखनी है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको भत्ता देंगे, वाहन भत्ता देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा उसको आने जाने का किराया के भत्ता सरकार उपलब्ध करवाएगी, वन टाइम भत्ता उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्चुअली कर रहा हो या फिर फिजिकली कर रहा हो उसके लिए टैबलेट की व्यवस्था सरकार कर रही है। और सरकार ने भी व्यवस्था की है टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस हर प्रदेश के नौजवान को, जो स्नातक में है, स्नातक प्रास्नातक में है, वह मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, बीए, बीकॉम, बीएससी का, किसी भी उससे जुड़ा हुआ छात्र है, नर्सिंग का, फार्मेसी का, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी कर रहा है, हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार, नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% बल्कि 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षी आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव गांव तक पहुंच रहा है, वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है।